विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलेसेंस. तो एडोलेसेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट. पहला कह रहे हैं इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ इमोशनल अपहीवल. बात तो ठीक है, एडोलेसेंस के ना इमोशंस बड़े हिलते रहते हैं, मतलब कभी बहुत खुश हैं कभी बहुत दुखी हैं, चलता रहता है. केयर फ्री नेचर टुवर्ड्स स्टडीज, कह रहे हैं स्टडीज को लेकर केयर फ्री हो जाते हैं, ये कहना गलत है. देखो जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देनी है. कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दे एडोलेसेंस में आके, बट कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान भी देते हैं, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है. थिंकिंग स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग कॉन्क्रीट एक्शन, कॉन्क्रीट तो इससे पहले ही हो गया था, एडोलेसेंट में आके तो ये एब्स्ट्रैक्ट सोचने लग जाते हैं, अमूर्त चिंतन. एडोलेसेंट में आके तो अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है. फोर्थ कह रहे हैं एब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस कोशेंट, की अचानक से उनका आईक्यू बढ़ जाता है. लोगों को लगता है ऐसा कि अचानक से बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, बट वो इंटेलिजेंट नहीं हुए, ठीक है. उस तरह से नहीं हुए कि आप उसको ये कह सको कि आईक्यू ही बढ़ गया. उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है बट आईक्यू नहीं बढ़ता है, ठीक है. तो ये कहना भी गलत है. तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते रहते हैं एडोलेसेंस के लिए.